हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी अब पहले से थोड़ा ठीक हूं। जैसे कि मैंने बताया था, मेरा थोड़ा तबीयत डाउन सा हो रहा है ना, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कल से घर पे कोई भी नहीं है। मतलब सिस्टर मेरी गई है एक मैरिज में, और मम्मी हैं, मैं हूँ, पापा हैं, और घर पर कोई भी नहीं है। तो घर के काम जो मम्मी के करने के होते हैं, सिस्टर के करने के होते हैं, उनमें मुझे हाथ बटाना पड़ रहा है मम्मी का, क्योंकि सिस्टर तो है नहीं, तो मेरे को थोड़ा सा मम्मी की हेल्प करनी पड़ रही है। तो जैसा कि मैंने कल सिस्टर मेरी गई थी, तो कल मैंने खाना बनाया था इवनिंग में, तो अभी मॉर्निंग में तो मम्मी ने बना लिया है, बट मेरे को चाय गर्म करनी है। मम्मी ने चाय बना ली है बट वो ठंडी हो गई है, तो अभी मेरे को वो गर्म करनी है। हाँ, तो अभी मेरे को चाय गर्म करनी है, तो अब मैं चाय गर्म कर लेता हूँ। तो अभी मैं जस्ट ये जा रहा हूँ किचन में। ये किचन है मेरे घर का, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और इसमें है चाय जो कि मम्मी ने ऑलरेडी बना रखी है। और इसमें क्या बनाया मम्मी ने, और इसमें मम्मी ने आलू उबाले हैं, पटेटो। मुझे नहीं पता किसके लिए उबाले, मतलब क्या बनाएंगी। तो अभी मैं चाय गर्म कर लेता हूँ। तो अभी मेरे को ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, अभी मेरे को गैस जलाना पड़ेगा, और अभी मैंने गैस खोल दिया है और अब मैंने ये जला दिया है। शिट, आई थिंक ये नीचे से बंद है, तो मैं नीचे से खोल लेता हूँ गैस को, और अब मैं इसको यहाँ से जलाता हूँ। मैंने इसको ओपन कर दिया है और अब मैंने इसको जला दिया है, और अब ये जल गया है, और अब चाय गर्म होनी शुरू हो गई है। तो आई थिंक ये 2 से 3 मिनट में गर्म हो जाएगी, और उसके बाद सबसे पहले हम चाय के साथ नाश्ता करेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि ये मेरे घर का मतलब किचन है, वो सामने स्पून टंग रही है, और इधर ये स्लेप है ऊपर, तो यहाँ पे बर्तन या फिर डब्बे वगैरह रख देते हैं। इधर ज़्यादा रखते हैं ये, मतलब जैसे मिर्च मसाले वगैरह है ना। और तो अभी चाय गर्म होनी शुरू हो गई है, और मैं आपको एक और दिखा दूँ नीचे। ये नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे फ्लोर वगैरह रखा होता है, और यहाँ पे मतलब राइस और फ्लोर सब यहीं पे रखे होते हैं। सिलेंडर ये नीचे रखा है आप जैसे कि देख रहे होंगे, और ये है क्या बोलते हैं इसको, नियावत खाना बोलते हैं, अलमारी बोलते हैं है ना ये। और इधर ये बर्तन रखे हैं, इधर भी बर्तन रखे हैं, और ये सिंक लगा हुआ है बट टंकी नहीं लगी हुई है। सिंक लगा हुआ है बट टंकी नहीं लगी हुई। तो अभी कोई नहीं फ्रेंड्स, अभी चाय गर्म हो रही है, चाय गर्म होने देते हैं। आई थिंक दोस्तों चाय गर्म हो गई है, मैं इसको देख लेता हूँ। मुझे लग रहा है चाय गर्म हो गई है, इसमें थोड़ा थोड़ा उबाल भी आ रहा है। तो अभी मैं इसको गैस को बंद कर देता हूँ। मैंने गैस बंद कर दिया है और प्लेट से ढक दिया है, और अभी मैं इसको लेके जाने वाला हूँ बाहर, क्योंकि बाहर ही पियेंगे सब लोग। तो अभी मैं चलता हूँ बाहर को। हाँ तो दोस्तों, अभी मैंने चाय भी पी ली है और प्लस खाना भी खा लिया है, और खाने में मैंने खाया है जो रात दाल बनाई थी, उसमें से थोड़ी दाल फ्राई करी और वो दाल खाई थी, और कुछ अभी जो मैंने बताया था ना कि मम्मी ने आलू वो उबाले हैं, तो उन आलूओं की मम्मी ने, कुछ आलूओं की मम्मी ने चटनी बनाई थी, और कुछ आलूओं को मम्मी सब्जी बनाएंगी, तो सब्जी तो दोपहर में बनेगी, तो उनमें से कुछ आलू की चटनी बनाई थी, तो उस चटनी से खाया खाना। तो चटनी मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये है वो चटनी जो कि अभी थोड़ी सी बची है, ये पटेटो वाली, आलू वाली जो उबाले थे ना उनमें से, तो अभी इस चटनी से खाया है खाना, और चाय भी पी ली है। तो अभी बस मम्मी की हेल्प करनी है मुझे काम करने में। तो दोस्तों अभी मुझे बस मम्मी की हेल्प करनी है काम करने में। जैसे मैंने बताया सिस्टर तो है नहीं घर पे, तो अभी मैं मम्मी की हेल्प करूँगा। तो सबसे पहले अब मम्मी बोलेंगी जो काम, मैं उसी काम में लग जाऊँगा ना। तो बाकी जो अब हमारे पास पशु है यानी कि ढोर है, वो उधर देखिए उधर बंद रहे हैं, उधर देखिए सामने कोने में, आई थिंक देखो वो ऊपर दिखाई भी दे रही होगी भैंस। अभी ये है ना, ये देखो उधर भैंस है, ये कटिया है, और ये हमारा कटरा है। तो अभी इनको इनको सानी लगानी है, इनको चारा डालना है, और अभी लाइट भी आ गई है, तो अभी पंखा भी चल रहा है, तो अभी ये काम निपटाना है मुझे। हाँ तो दोस्तों अभी मेरे को जो मैंने बताया मम्मी की हेल्प करनी है, तो अभी मेरे को देखो ये बिस्तर होया हुआ है, इसको तय बनानी है, इसको नीचे लेके जाना है, फिर उसके बाद इधर ये जो हमारा मतलब ये बैठक वाला घर है ना, इसको घेर भी बोल देते हैं, बैठक भी बोल देते हैं, सामने आप देख रहे होंगे उपलो के पास में ये पुराल पड़ी हुई है कुछ, तो इसको अभी मेरे को साफ़ करना है यहाँ से, और क्लीन हो जाना है बिल्कुल ये,
तो अभी सबसे पहले तो मैं इस काम को कर देता हूँ, ये जो बिस्तर वाला काम है, ठीक है। तो अभी मैंने ये इधर देखिए ये भी साफ़ कर दिया है, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, अब ये क्लीन हो गया एकदम। अब मेरे को नीचे जाना है। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी जब मैं छत से नीचे आ गया हूँ और अब मेरे को टॉयलेट क्लीन करना है ना, तो टॉयलेट क्लीन करने के लिए लाइट भी आ रही है और समरसेबल से पानी चलाऊँगा मैं, और उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो अभी मैं चलता हूँ, बस समरसेबल का पाइप फैलाता हूँ। तो ये पड़ा है समरसेबल का पाइप, इसको फैलाना है उधर टॉयलेट की तरफ, और आई थिंक कितना पाइप पहुँच जाएगा। ये देखिए टॉयलेट कितना गंदा हो रहा है। तो अभी मेरे को इसको क्लीन करना है, तो पहले तो मैं इसमें ऐसे ही पानी चलाऊंगा और उसके बाद फिर इसको ब्रश से साफ करना है, और आई थिंक हार्पिक भी लगाना है। ये हार्पिक है इसमें, हाँ है, तो ये हार्पिक लगाना है मेरे को। मैं इसको नीचे रख लेता हूँ और इसको बाहर रख देता हूँ, और अब मैं पानी डालता हूँ इसमें। तो अभी मैं ये समरसेबल का यहाँ से बटन ऑन कर देता हूँ, ये ऑन हो गया है, और मैं यहाँ से ये मग्गा ले लेता हूँ, और अब ये पानी आना शुरू हो गया है। मैं इसको बाल्टी को भर देता हूँ, और अब इधर से भाग के इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं इसको, ये मैंने हाथ पे डाल दिया है इससे, अब मैं इसको अच्छे से रगड़ लेता हूँ। ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। अब मैं इसमें पानी डालूंगा। मेरे घर में तीन टॉयलेट हैं और एक बाथरूम है, तो आई थिंक मुझे लगता है तीनों को मुझे क्लीन करना होगा। ये तो क्लीन हो गई है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी मैं इसको भी क्लीन कर रहा हूँ, तो अभी मैंने इसमें जस्ट पानी डाल रहा हूँ, ये सेकंड नंबर की है, ये कितनी गंदी हो रही है। तो इसको भी पहले मैं ब्रश से साफ करूंगा ऐसे ही बिना हार्पिक के। अभी मैं इसमें हार्पिक डाल लेता हूँ। और अब मैं इसको अच्छे से रगड़ूंगा। देखते हैं ये अच्छे से क्लीन हो गई है क्या। ओ, ये तो एकदम सुपर हो गई यार। अब ये दो हो गई है, बस एक रही है लास्ट, उसको भी क्लीन कर लेता हूँ मैं। अब ये थर्ड नंबर की है भी, इसको भी मैं क्लीन कर लेता हूँ, ये सूखी पड़ी है। ऐसा लग रहा है ना जैसे पता नहीं मैं कहाँ कहाँ से टॉयलेट साफ कर रहा हूँ। ओ, ये गंदी भी हो रही है बहुत ही, सेकेंड नंबर वाले की तरह हो रही है। तो पहले मैं इसको वैसे ही ब्रश से करूँगा जैसे औरों को किया था, उसके बाद हार्पिक डालूंगा और हार्पिक के बाद इसको रगड़ूंगा, तब ये भी क्लीन हो जाएगी। तो मैं इसको पहले ही ऐसे ही रगड़ लेता हूँ। अभी मैंने इस पर हार्पिक भी नहीं डाला है और ये फिर भी इतनी क्लीन हो गई है। अब देखते हैं इस पर हार्पिक डालने के बाद कितनी क्लीनिंग आती है। डाल दिया है, अब इसको मैं अच्छे से रगड़ूंगा और उसके बाद देखते हैं कैसी क्लीनिंग होती है। वाओ, अमेजिंग यार, ये उन दोनों से ज्यादा क्लीन है ये, है ना, ये बहुत क्लीन हो गई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तीनों काम निपट गए हैं, अब कुछ और काम देखते हैं। मम्मी को क्या, मम्मी का हेल्प कराना है ना, तो और पता नहीं क्या करना पड़ेगा।
हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।